गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गाइस अभी से बज गया है और अभी मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट नहीं किया था, अभी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मन नहीं था वीडियो स्टार्ट करने के लिए और इतना। और गाइस देख लीजिए, मैंने लहसुन का छिलका निकाल रही हूँ क्योंकि खाना जब हम बनाते हैं ना सब्ज़ी वगैरह, तब इतना लहसुन वगैरह मतलब ये करने के लिए टाइम नहीं होता। फटाफट से लहसुन से लो, फिर पेस्ट बनाओ, फिर सब्ज़ी में डालो। जल्दबाजी में ये दिक्कत रहता है तो बोल के मैं कभी कभी ऐसे लहसुन ऐसे रख देती हूँ, मतलब पेस्ट बना के फ्रिज में रख देती हूँ। तब मतलब सुबह के खास कर मतलब सुबह के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी रहता है। रामगिना का टिफिन हो, हस्बैंड का नाश्ता हो, इस वगैरह में बहुत सारा दिक्कत रहता है। मैं ऐसे लहसुन वगैरह ऐसे मतलब निकाल के पेस्ट बना के रख देती हूँ। कभी कभी जो पेस्ट वाला डिब्बा आता है ना वो भी मैं लेके आती हूँ ताकि मतलब जल्दबाजी ना हो और खाना फटाफट से बना पाते। तो अगर आप लोग भी ऐसे करके रख देते हो तो अच्छा है, अगर नहीं करते तो ऐसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दीजिएगा ताकि खाना वगैरह बनाने में टाइम में हमें जल्दबाजी ना हो और आराम से हम लोग सुकून से खाना वगैरह बना पाते हैं। और ये पूरा छिलका लहसुन का छिलका है और इसी बात में बोल बोल के ये करा था कि सोचा मैं कि नहीं वीडियो बहुत लंबा होगा तो इसीलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो आगे कंटिन्यू रही है गाइस। और गाइस ये शाम के टाइम की वीडियो है, अंधेरा हो गया और मैं सोच रही नाइट का ये आज मैंने आप लोगों के साथ डिनर, मारवाड़ी लोग क्या डिनर करते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये जो भी रामकिन्ना मतलब खेल रही है, मेरी पूजा पाठ हो गया है और इसलिए मतलब मैं सोचा कि वीडियो सुबह से नहीं कि आज जल्दी जल्दी मैं वीडियो शूट कर देती हूँ ताकि रात हम लोग क्या खाते हैं क्या करते हैं ये सब आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर पाते। और ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं दोनों, बहुत मतलब लड़ाई करते हैं, पूरा हल्ला हल्ला कर देते हैं। और रामकिरण दूध लेके आया, उसके बाद मैंने दूध गरम किया और बहुत सारा काम रहता है ना। और ये देखिए इतना सारा अदरक लहसुन मैंने पेस्ट बनाया। हल्ला करेंगे क्या गाइस? अभी इसको है ना मेरे साथ खेल रही थी तो ये भाग के चाची के पास आई। चाची क्या करी मालूम है को गाइस? इससे चाची को चाची बोली कुत्ते कुत्ते जे खड़ता मैं मैं गुट्टू हल्ला हक्का करो तो फिर ये तो इसका मैं ये बहुत हल्ला कर रहे थे, मैं ये बेलन से ऐसे दिखाया इसके ऐसे मारू मारू तो रोने लगी है। उसके बाद फिर मेरे गोद में आ गई। मोर को के हरे के गोद में जाती है तुम चिकू ले तू चिकू ले चिकू ले चिकू ले चिकू ले। और गाइस देख लीजिए ये मैंने घी बनाया था, उसके बाद जो घी बनाने के बाद रह जाता है ना सास, तो वो मैंने रख दिया था दो दिन पहले का है, ये फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने ये सान लिया, ऊपर का जो सना है ना दूध का वो मैं अलग कर रही हूँ और उससे मैं बनाएंगे चटनी। और मारवाड़ी लोगों को ये कड्डी और रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है और कड्डी में मैंने डाल कड्डी में नहीं ये सास है उसकी कड्डी तो बाद में बनेगा, आटा दे दिया, आटा का बर्तन बोलते हैं ना, तो आटा डाल दिया और आटा अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ा सा टाइम मतलब रख देंगे ताकि मैं ये प्याज ये सब मैं काट लेती हूँ। और कड्डी है ना मारवाड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और आम को तो कड्डी और रोटी होने से मतलब बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। और जो ये दूध का जो छना है ना वो चटनी बना लेते हैं तो वो चटनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं निकाल लिया चटनी के लिए और ये है छना, तो दूध का जो छान के रखा था उसके बाद छना निकलता है तो उसके मैं चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैंने देखिए जीरा डाल दिया और ये एक टमाटर प्याज और हरी मिर्च ये सब मैंने डाल दिया है, ये फ्राई कर लेंगे। और अगर आप लोग ये चटनी नहीं खाया ना एक बार खा सकते हैं। तो अगर सना ऐसे कभी कभी दूध फट जाता है ना, वो फटा हुआ दूध नहीं फेंकना चाहिए, दूध का फटा हुआ दूध का जो पानी पानी जैसा है ना वो बाकी फेंक देना चाहिए और बाकी जो सना निकलता है ना वो ऐसे प्याज के साथ ऐसे फ्राई करके आप चटनी बना लो तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इधर डाल दिया था ये लहसुन भी, अदरक लहसुन भी डाल दिया तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया मैंने और इसमें मैंने डाल दिया है और एक साथ फ्राई किया। और ये जब मतलब फ्राई हो जाएगा ना इसमें सब मतलब मसाला सब देना पड़ता है, मतलब ये क्या लाल मिर्च धनिया पाउडर फिर नमक फिर इसमें हल्दी सब कुछ डाल के मतलब अच्छे से ये फ्राई करना है। फ्राई करके उसके बाद ये सना जो है ना हमारा सना सना डाल देना है और ये सना के साथ सना का जो पानी बाहर निकल सूख जाएगा ना उसके बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और ये चटनी है ना आप लोग अगर एक बार भी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना। इसमें आप
बादाम भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में जैसे बनाए बिल्कुल इस तरीके से आप लोग बनाए। और एक बार खा के मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे सना तो ऐसे होता नहीं है, कभी कभी जब हमारा दूध फट जाता है ना तब हम ऐसे खा सकते हैं। देखिए भाई, जिसको चाची इधर चटनी बना रही है और इसको इधर उसके इधर गैस के बाजू बैठने की। हे देखिए गाइस, देखिए देखिए ना, सब टूट जाएगा। कैसे कर रही है मेरे देखिए कैसे कर रही है देखिए देखिए और देखिए गाइस, चटनी फ्राई हो रही है, मतलब जो ये है ना सब कुछ मिला के फ्राई कर रही हूँ चटनी के लिए। ये हमारा रेडी है चटनी बनाने के लिए। तो हम आप लोग भी ऐसे एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा खा के आप लोगों को। और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कैसे लगा। ये तो फ्राई हो गया, उसके बाद मुझे लगाना है आटा, क्योंकि राम को रोटी खाना है। रात को रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसे भी इतना चावल पसंद नहीं करते राम, फिर भी खा लेते हैं दाल चावल। और जब मैं ये आटा लगा रही हूँ, उसी टाइम राम आ गया। और राम आके क्या कर रहे हैं देखिए, ऑन कैमरा किस कर दिया है मुझे। और मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे मतलब कुछ उम्मीद था, लेकिन उम्मीद में मेरा पानी पड़ गया। राम ने मुझे मतलब धोखा दे दिया है। और ये देखिए एक बैग है, इस बैग के अंदर क्या है मैं आप लोगों को ज़रूर अभी दिखाएंगे। और मुझे तो धोखा मिल गया। गाइस देखिए, मुझे भी डिब्बा बांट दिया मिठाई का। देखिए गाइस, इसको तो मेरा फेवरेट मिठाई से क्या दिया है मुझे। और ये बैग दिया है सोनार की तरफ से, ये धनतेरस का। बहुत देर से देर हो गया दिया, तो बुलाया था क्या आपको? बुला के दिया। तो ये धनतेरस में हम लोग जो ज्वेलरी लिया था ना, तो उनके तरफ से आया है अभी ये बैग और ये दो पैकेट मिठाई। और इसको देखिए मिठाई, देखिए गाइस मेरा फेवरेट मिठाई लेके देख। एक वीडियो बना लो जो ना मिठाई लो इसको, ये मिठाई ना मेरा फेवरेट मिठाई क्यों लेती है तू? तो ये मिठाई खाने के लिए बाउली हो गई है। जो भी काकू क्या लाया, ए पटकी काकू को थैंक यू बोलो तो काकू को। वाह जो भी मिठाई मिठाई गाइस, अभी का बना हुआ है, ये ताजा बहुत टेस्टी है, बिना खाए टेस्टी है। मैं टेस्ट कर ली उंगली से, टेस्ट कर लिया तो बैग भी अच्छा ही दिया है। गाइस हम लोग तो सोचे काकू खरीद के एकदम सरप्राइज गिफ्ट लेके आए। मैं सोचा कि आप उधर गया सारमीनार, गया सारमीनार से लेके आया। रेखा ज्वेलरी नागुड़ाई, रेखा ज्वेलरी, रेखा तो मालूम है कि एक गिफ्ट ही भेजा है। देखिए गाइस हाथ में है पर दोनों हाथ भरने ऐसे। तो मिठाई वगैरह तो आ गया, ज्वेलरी से जो हम ज्वेलरी शॉप से जो ज्वेलरी लिया था उधर से आया था। और मैं धोखा, मेरे को धोखा जैसा हो गया है, क्योंकि मैं सोचा था राम चारमीनार गया उधर से कुछ मेरे लिए लेके आया है सारी, नहीं तो कुछ, लेकिन नहीं है ज्वेलरी शॉप से। वो उनको बुला के दिया है गिफ्ट, धनतेरस का गिफ्ट था। तो और ये देखिए मैं चटनी बना रही थी, जो मैंने चना का जो चटनी ये फ्राई करके रखा था ना, वो ठंडा हो गया। वो ठंडा होने के बाद चटनी बनाना है, और चटनी बनाने के लिए ठंडा हो गया तो उसके बाद मुझे ये चटनी बनाना। चटनी बनाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे चटनी कैसा है देखने में। चटनी पीसने के बाद गाइस मुझे बनाना है कड्डी, जो राजस्थानी फेमस है ये कड्डी। और ये मुझे है ना ये बहुत अच्छे से बनाना आ रहा है आजकल, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। खुद ही खुद का बात बोल रही हूँ, जो कड्डी मैं बना रही हूँ और सबको मेरी हाथ का कड्डी आजकल बहुत पसंद है। हालांकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये कड्डी। और कड्डी बनाने के लिए पूरा मसाला वगैरह फ्राई कर लेना है। मसाला वगैरह फ्राई करके जो हम लोग घोल बना के रखा है ना, जैसे हम लोग असम में खाते हैं मतलब नींबू का कड्डी खाते हैं बहुत सारा। हमारा जो नेचुरल वो चीज़ होता है ना, पेड़ पौधा का लगने वाला कड्डी हमारा ज़्यादा खाते हैं।
हैं, लेकिन राजस्थान यूपी बिहार में ये दही के दही जमा के उसके बाद मतलब घी निकालते हैं ऐसे कुछ करके, मतलब जो पानी पानी जैसा रहता है उसी का ही कड्डी बनाते हैं दही का। तो हमारे असम में अलग कड्डी बनाते हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फटाफट से मैं कड्डी बना रही हूँ और इसमें कड्डी का कलर देखिएगा, सेम कलर सेम आता है हमारे जो असम का कड्डी का कलर है ना वो, और ये सेम होता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है इस कड्डी में, क्योंकि ऑलरेडी दूध का ही है तो इसमें घी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो असम का वाला कड्डी है ना उसको हम लोग बोलते हैं टेंगारजुल, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी टेंगारजुल बोलने ही मुझे मुँह पर पानी आ गया है। और रोटी बनाना है, और जब मैं रोटी बना रही थी मेरे हस्बैंड आ गए रोटी सेकने के लिए, क्योंकि देर हो जाता है ना रोटी बनाने में, दिक्कत रहती है एक जन से के तो एक जन ये बेल लेते हैं, तो जल्दी जल्दी रोटी बन जाता है और अच्छा रहता है, ताकि रोटी ठंडा भी हो, गरम गरम हम लोग रोटी खा पाते हैं। और रोटी में बेल रही थी और हस्बैंड ने सेक रहा था और हमारा रोटी फटाफट से बन गया है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि दोनों एक साथ मिलजुल के किया है ना तो अच्छा लगता है। हर काम एक साथ करने से मियाँ बीवी को काम जल्दी जल्दी हो जाता है, चाहे मियाँ बीवी नहीं कोई भी हो, घर का लोग एक साथ मतलब मिलजुल के काम करना सही रहता है। तो इसीलिए कभी कभी ये रोटी सेक देते हैं, सब्जी बना देते हैं, हेल्प कर देते हैं, और साथ ही साथ चाय में मेरी ये चटनी। और हमारा हो गया है रोटी, फुल्ली फुल्ली रोटी घी वाला, मतलब मारुवरी वाला, मारुवरी राजस्थानी रोटी हो गया और चटनी। और ये है कड्डी, हमारा खाना एकदम से रेडी है। तो ये हमारा रात का खाना है, मारुवरी लोग जो रात को ऐसे खाना, रात को या दिन में कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब डिनर में जो खाया हुआ आप लोगों के साथ सही मतलब शेयर किया मैंने। गाइस आई होप ये वीडियो मेरी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और ये महापंडित देखिए एकदम ये कर रहा है, भगवान को नाम लेके खाना खा रहे हैं, ऐसे खाना चाहिए, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, फटाफट से खाना खा लेती हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।